का 7 बज रहा है। मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। आज का दिन स्पेशल है, अच्छा से मनाइए। हम तो कुछ स्पेशल करने वाले हैं नहीं, हम घर में ही रहने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का अभी 7:05 हो रहा है, 5:30 बजे से जागे हैं। बहुत कम था, मम्मी तो पूरा सीढ़ी उड़ी सब धोना उना। कल जो तूफान आया था उससे क्या हुआ, केला पेट टूट गया हम लोग का। कल तो बताए थे धूप निकला था, अभी ना निकले ही तो अच्छा है। बहुत गर्मी अभी भी है, बस बाहर थोड़ा अच्छा लग रहा, ठंडा ठंडा हवा चल रहा। सब काम वाम ख़त्म कर लिए, वाला द्वार आज खोले हैं, दरवाज़ा मतलब ये वाला खोलते नहीं हम लोग उतना। घर और पोछना हो गया, यहाँ का फैन ऑफ कर देते हैं क्योंकि मेरा घर पोछना कंप्लीट हो गया। सब रूम का फैन ऑन ऑफ कर देते हैं। मम्मी ये सब सीढ़ी उड़ी पूरा पानी से धोई है, पाइप लगा के अच्छा से। हम अभी जस्ट पोछा करके गए, ये चिड़िया सब ना एकदम बनवासी कर रहा है। मम्मी इधर पूजा सब को बर्तन सब धो रही है। लेट हो गया घर में। गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, आप आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी कितना सब बजे? 7:05। 7:05 हो रहा है, हम टाइम लेने के बहाने में बर्तन धो रहे हैं। आज बहुत 4 पीस में लगे हैं, ऊपर से इतना किचकिची काल जो तूफान झड़ में पूरा किचकिची होता है, साफ करते करते अभी 7 बजे। इतना साफ लग रहा है, थोड़ा देर बाद पता नहीं पूरा। हम फिर से करेंगे झाड़ू उड़ू, ऐसा बात नहीं है। बाहर अच्छा हवा दे लेकिन घर के अंदर गर्मी है। और एक जन छत भाग गया, गिरेगा ना छत, फिर छत गया ना, और एक जन छत भाग गया, टफी फुदक रहा सुबह से छत में। चले हम थोड़ा रेस्ट करने, कचरा सब साफ कर देते फिर से। तो दिन भर में एकदम इतना यहाँ गिरा के रखता हूँ ऊपर से। घर नहीं बनाया हुआ, यहाँ बनाया घर। घर तोड़ना नहीं चाहिए इसीलिए नहीं तोड़ा है। यहाँ नहीं बना पाता है, यहीं पे वहीं पे बनाने खोजता है, सब बिखर जाता है लोग का घर। हवा भी जैसे बंद हो गया है ना माँ। चले और भी कुछ काम है, काम का कभी कमी नहीं है। पूजा कंप्लीट, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मम्मी आज थोड़ा सा लेट में जागी थी, होता है कभी कभी हो जाता है। रोज़ तब एक ही जैसा इंसान, कल बारिश गिर रहा था इसीलिए सबको नींद आ गया। देखिए शंकर जी कितने अच्छे लग रहे हैं। आज मम्मी फूल नहीं तोड़ने गए थे ना, आंटी दिए बगल से, बगल में एक आंटी रहती है वहीं दिए फूल। देख चलिए नाश्ता क्या बनाते। आज ब्रेकफास्ट में मूढ़ी खाएंगे, मूढ़ी। कल रात का परवल फ्राई है और मिक्सचर लाए हैं, मिक्सचर समोसा आलू चॉप, रात का कल प्याज मूढ़ी। उसका ब्रेकफास्ट यही है, यही खाएंगे आज। बनाने मन नहीं, सुबह बहुत काम। ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट होने के बाद हम बर्तन धोती हैं। मम्मी चले गए बाथरूम में कपड़ा धोने, हम तब तक थोड़ा भैया का रूम साफ कर देते। भैया का रूम में वो था तो रहने से वो किसी घुसने नहीं देता, उतना गुस्सा होता है, इसीलिए हम पोछा पूछी नहीं किए थे तो पोछ देते हैं। उसके बाद क्या बनता आज लंच में देखिए। मम्मी तो इतना सारा कपड़ा लेके बैठी हुई है, दिखाते हैं आप लोग को। देखिए कितना कपड़ा है, बोले आपको क्या ज़रूरत है अभी कपड़ा धोने का, बहुत कपड़ा। क्या जरूरत है फिर, अभी मत धोइए हम बोले। तो कब धोएंगे, खाना बनाने का भी दर्द है तो उस टाइम ये है। अभी नहीं धोएंगे फिर दूसरा दिन, मतलब जितना है उतना डालेंगे। मेरा वाला रहने देते, हम धो लेते हैं। धूप तो नहीं है आज लेकिन गर्मी है। एटफी क्या जो कर रहा ऊपर में पता नहीं, शांति से घर में नहीं बैठ सकता है? बुलाएं तो आया, चलो अंदर, चलो 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 अंदर, चलो मत कूदो ऊपर में, चलो बैठो। आजकल बहुत बनवास हो गया, मेरे हाथ से मार खाया अभी। मारते तो नहीं है कभी लेकिन बनवासी करेगा, जब बच्चा तो थोड़ा सा मार नहीं चाहिए। बनवास तो नहीं खाया तो ये खाने बाहर में रहता,
हम बैठे हुए चोरी छुप के आके टॉफी का दूध पी ले रहा है। टॉफी थोड़ा सा पिया है, वो पीता और नहीं दिया। अय अय, ये लोग बड़ी बनवास हो गया है। जो मम्मी कपड़ा धो के आ गई, लंच में क्या बनेगा दिखाते हैं आप लोग को। आज घर में मटन आया है, कुछ लाए हैं पता था मेरे को, लेकिन मटन की चिकन वो नहीं पता था पापा लाए हैं। मम्मी आई तो निकाली, हम देखे भैया नहीं खाता, फिर भैया के लिए टेंशन, मम्मी चिकन नहीं खाती, भैया मटन नहीं खाता। मम्मी कुछ फ्री से निकाल रही सब्जी उब्जी, देखते ये तो खच्चर है, एक नंबर का खच्चर है, खाली काटेगा, पिद्दी भरसा है खाली काटेगा। कितना अच्छा रूम को साफ सुथरा कर दिए, फिर गंदा करेगा ही। मैं इतना सारा कपड़ा धो के आ गई। मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। अभी कपड़ा धो के आए, सब्जी वब्जी बनाएंगे, बेटा मटन नहीं खाता उसका लिए दूसरा कुछ करेंगे ये सोच के। केला फ्राई कर रहे हैं और टमाटोर का मछली एक पीस है, अच्छी से एक पीस फ्रिज में है, उसी को दे के बना लेंगे। वो फिर मीठा खट्टा नहीं खाता है, सबका अलग अलग फरमाइश ना। हम खा लेते मटन चिकन फिश एग, बहुत सारा फिश नहीं खाते, जैसे हम लोग का घर में नहीं बनता वो सब नहीं खाते हम, लेकिन मटन चिकन हम दोनों खाते हैं। और मेरे को फिश तो ऐसे ही पसंद है, ये अपने उड़ के आ गया, उसको सब्जी खाना इसीलिए। हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर सके क्योंकि कल बहुत नींद लग रहा था, बहुत सो गए, अभी एडिट कर रहे हैं अपलोड करेंगे। पावर भी आ रहा था जा रहा था, तो वाईफाई तो बिना पावर का चलेगा नहीं, इसलिए रात को इतना मोबाइल भी नहीं देखे, सर जल्दी ही सो गए थे कल, इतना नींद लग रहा था। हम तो सोच रहे थे रोटी वोटी बनाने के बाद ही सो जाए। टमाटर सब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर एकदम रेड 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 चेरी जैसा लग रहा है। करेला खा रहा है, आज एक रील देखिए उसमें डॉगी तो करेला खा रहा था, बताइए। आपको भी दिखाए ना, धूप थोड़ा खिला है, टमाटर खाएगा शायद। सुबह का तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, भैया अभी नारियल पानी लेके आया है और सोया बड़ी। सोया बड़ी हम लोग को बहुत पसंद है ना, खास करके उसको, मेरे को भी बहुत पसंद है। हम लोग कोई खाते नहीं थे प्याज कटने, इसलिए आपसे पानी भाई हम पूछना तो हमें रोक प्याज कटना ना, इसलिए ये हम लोग कोई छोटा से बनाते भी नहीं थे, लोग छोटा जब तो बनाते नहीं खाते, कहाँ से लोग सीखा इतना पसंद समझ रहे हैं। पापा को भी नहीं पसंद है, मम्मी तो पापा तो खा लेते हैं थोड़ा मोड़ा, मम्मी तो छोटी तक नहीं है सबको। अभी पीजिए कि रख दे फ्रिज में, तेरा भी कच्चा केला फ्राई हो रहा है। मम्मी आलू शायद ये में दीजिएगा ना, चिकन मटन में ना, मटन में आलू देने के लिए वो कटिंग कर ली। इधर प्याज रसन भी मटन में ही जाएगा, इधर मछली का जो खट्टा बने उसके लिए टमाटर मम्मी कट कर लिए, इधर मटन धो के उसको अभी कुकर में मम्मी सीटी लगाएगी, और इधर मसाला भी पीस लिए है। अभी बाहर धूप भी खिल गया है, अच्छा लगता है केला फ्राई। इधर मटन बन रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी बाकी है होना, कंप्लीट नहीं हुआ है ना माँ। बाकी सब्जी सब बन गया है, यहाँ कुछ है शायद, यहाँ शायद रोटी होगा। हाँ क्या क्या बना है एक ही बार में दिखा देंगे। मम्मी इधर अपना काम कर रही है और ये दोनों सोया हुआ है। मटन बन के रेडी हो गया है, टेस्ट बहुत अच्छा, मम्मी टेस्ट करवाई थी, बहुत अच्छा बना। इधर मछली का खट्टा बना, टमाटर का, इसमें मम्मी धनिया पत्ता ऐड किया है, और ये कच्चा केला का फ्राई। इधर चावल अभी चढ़ाई गई, मम्मी पानी गर्म कर रही है, इधर मम्मी कढ़ाई धो रही है। अभी हम अभी घर साफ सुथरा कर रहे हैं, लोग गंदा करके रखा हुआ पूरा घर को। आज का लंच का मेन्यू यही है, संडे बोल के पापा मटन ले आए, अभी भैया का अलग नफड़ा खा लेगा ये देखे। दाल भी नहीं बनाया आज, उसका दाल फेवरेट है। चलिए एक आध दिन कुछ नहीं भी बनने से क्या हो गया। लंच करने के लिए आ गए, यहाँ मिक्सचर है, प्याज है, परवल आलू का फ्राई है, केला फ्राई है, साग फ्राई है, ये आलू पोस्तो है, ये मटन है और राइस, लास्ट केला पत्ता बचा हुआ था। दोपहर को जो लंच बनाए थे ना, मटन मछली का सब्जी, बेटा कुछ नहीं खाया, अभी वो रोटी खाया, उसका सोयाबीन का सब्जी बना दिए
और रोटी खाया। सोमा थोड़ा सा चावल ली थी वो भी नहीं खाया, डॉगी लोग को दे दिया। हम तो बिल्कुल ही नहीं खाए, जो गर्मी है अभी खाएंगे तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा लगता है। गर्मी में जितना पानी और डाब का पानी जैसा शरबत ये सब ठंडा वाला चीज आइसक्रीम ये सब ज्यादा अच्छा लगता है। अभी खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तभी भी भूख कर लिए आदमी तो खाएगा। डिनर थोड़ा बहुत कर लिया जो कर लिया, और सब ढांका मतलब तोप के रखे हैं सब, और जो बाहर में नहीं रखना चाहिए जैसे मटन का सब्जी हो गया और ऊपर से केला फ्राई ये सब फ्रिज में रख दिए हैं। मछली टमाटर का खट्टा जो बनाए थे वो सब भी फ्रिज में रख दिए, अभी कोई खाया नहीं। जिसको भूख लगेगा 9-10 अभी कितना 8:30 बज रहा, कितना बज रहा देख रहे हैं अभी नहीं 8:40 हो रहा, 9:20 बाकी है। तो इसीलिए अभी डिनर तो कोई नहीं किया, जो करेगा तो रात को करेगा तो करेगा, हम ही करेंगे तो करेंगे, नहीं तो सब कोई करा थोड़ा बहुत, देखते हैं भूख लगेगा तो खाएंगे नहीं तो नहीं। बहुत गर्मी जैसा नहाने का बाद जैसा सूखा कपड़ा पहनेगा ना उसको निचोड़ लीजिएगा जैसा पानी निकलेगा, इतना गर्मी। किचन में घुसते ही पूरा भीग जा रहा है, इतना गर्मी है किचन में बिल्कुल ही रहने मन नहीं है। जैसा एक सब्जी और चावल रोटी कुछ भी बना दे दिन भर जैसा खाते रहे ऐसे लगता है, इतना गर्मी। किचन में बिल्कुल ही जाने मन नहीं, और सब काम करने मन करा लेकिन किचन में जाने मन करा। कपड़ा लता धोने में तो आराम है क्योंकि पानी में हमेशा हम लोग भींगा रहेंगे, वहां अच्छा लगता है, इसीलिए कपड़ा भी आज बहुत खींचे हैं। कल मंदिर जाएंगे सोच रहे, देखिए जल्दी उठेंगे और सोमा भी जल्दी से जाग पाएगी तो जाएंगे, नहीं तो फिर देखिए गर्मी में सोने के लिए लेट होता रात को और सुबह जागने मन नहीं करता क्योंकि सुबह ही सोने का टाइम जैसा उसी टाइम, और उसी टाइम घर का सब काम है। घर का नहीं उठ जगिएगा तो बिल्कुल कुछ काम नहीं होगा, थोड़ा लेट से जग जाइएगा तो काम आपका लेट दिन भर लेट होते रहेगा। तो इसीलिए देखते हैं जल्दी से जागेंगे तो जाएंगे मंदिर, नहीं जाग पाएंगे तो क्यों ना। जब मेरा कटहल पेड़ में ना हमेशा कटहल पकड़ता था तो गिर जाता था, तो हम बोले थे घोड़ा बाबा का मंदिर जो हम लोग पूजा यहाँ देने जाते, जो रोज मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा, वहीं पर हम मानत कहते जो घोड़ा बाबा मेरा कटहल पेड़ में कटहल रहेगा तो पकेगा, जब हम आपको आपका पैर में ले जाके देंगे। सोमा बोली थी मम्मी मंदिर में भी दे दीजिएगा, जो सामने में बैठता है जो लोग मतलब बैठता है प्रसादी उसादी खोजता है निकलने से वो लोग को भी थोड़ा बहुत दे दीजिए, हम लोग ठीक है दे देंगे। कटहल तो अभी तो सोमा दी अगरबत्ती देखा नहीं, लेकिन धूप में 2 दिन दिए तो थोड़ा बहुत मतलब सॉफ्ट हुआ, इतना भी नहीं। तो इसीलिए देखते हैं कल सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के काम खत्म कर लेंगे, सॉफ्ट हो गया तो उसको निकालेंगे और फिर ले जाके देंगे, ठीक है। देखते हैं कोशिश करते हैं, आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट, बाय। बहुत गर्मी देखिए, पसीना ये सब जैसे पानी चूह रहा, ठीक है। अभी हालत एकदम खराब खराब हो गई।